हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो गाइज़, मैं हूँ अभी देहरादून और मसूरी के बीच में। तो गाइज़, अभी हम जा रहे हैं मसूरी घूमने के लिए, और मसूरी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम लोग आ जाए अपनी बाइक से, आप इधर की तरफ देख सकते हैं हमारी बाइक खड़ी हुई है। अभी मैं यहाँ पर रास्ते में रुका हुआ हूँ, और यहाँ से यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा व्यू है ये। और गाइज़, आज मेरे साथ मेरा दोस्त समीर भी साथ में आया है। और गाइज़, आपने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो में समीर को मेरे साथ देखा होगा। तो ठीक है गाइज, चलिए चलते हैं और आज आपको पहाड़ों की रानी मसूरी की सैर कराते हैं। तो गाइज, लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं। बाकी गाइज, जब लास्ट टाइम 15 अगस्त को हम लोग मसूरी घूमने के लिए आए थे, तो भी हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ मसूरी में, और अभी हमें अपने होटल में, और आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे रूम लिया है जिसका प्राइस है 1200 रुपये। तो गाइज, ये अपना रूम देख सकते हैं आप। सामने की तरफ यहाँ पे एक सोफ़ा है, और इधर यहाँ पे 2 चेयर है, टेबल भी रखी हुई है, और गर्म पानी आ गया है पीने के लिए। सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है LED TV, और यहाँ पर एक अलमीरा है। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, जिसके अंदर हमने अपने बैग रख दिए हैं, और नीचे की तरफ हेलमेट है। हम बाइक से आए थे इसलिए तो हेलमेट ज़रूरी है। और यहाँ पर टॉवल मिला है हमें, और एक सोप भी है साथ में, और ये हमारा बेड, और ये वॉशरूम देख सकते हैं आप, गीजर लगा हुआ है, वॉशरूम भी काफी साफ सुथरा है। बालकनी दिखाता हूँ भैया मैं आपको, बालकनी कैसी है यहाँ पे। और ये बालकनी, इसका व्यू देख सकते हैं आप, काफी शानदार है। और यहाँ से माल रोड बिल्कुल पास में ही है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं चार दुकान की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई है, और हमारी बाइक के बाजे बज रहे हैं, पहले गियर पे ले जानी पड़ रही है। चढ़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, बाकी आप देख ही सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चार दुकान की तरफ, और आप देख सकते हैं ये चार दुकान है यहाँ पे, लगभग चार दुकान है, ये लगभग एक जैसी दिखाई देती है। चार दुकान पे चाय पीने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं लाल टिब्बा की तरफ, और यहाँ से हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे स्नोफॉल भी काफ़ी हो रखा है, और ठंड भी काफ़ी हो रही है। और आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, इधर आपको दिख रहा होगा। और इस वक्त हम हैं लाल टिब्बा के बिल्कुल पास में ही, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर लाल टिब्बा है। तो हम पहुँच चुके हैं लाल टिब्बा में। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और रास्ता देख सकते हैं आप।
तो गाइस लाल टिब्बा और चार दुकान घूमने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम के अंदर, और बाहर काफ़ी ठंड भी हो रही है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मसूरी के माल रोड पर, और वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे हम। और आप देख सकते हैं ये मसूरी का माल रोड का ये बाज़ार, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे होटल भी हैं यहाँ पर। यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे गारमेंट्स भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ का बाज़ार काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, और होटल भी हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे रुकने के लिए। यहाँ पे सेल लगी हुई है 250 रुपये 300 रुपये। बाकी हम लोग आ चुके हैं अभी टेरिस पर, और यहाँ से आप नाइट का व्यू दे सकते हैं। सामने की तरफ माल रोड है, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे। ये रिसेप्शन है, और ये अपना रूम, रूम नंबर 102। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपने रूम के अंदर, और आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते रहेंगे ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।